दलित आंदोलन दबाने के नाम पर पुलिस के अत्याचार का वायरल सच। देश को झूठ से बचाने वाले शो वायरल सच में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर सवर्णों ने आज भारत बंद बुलाया था। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक और मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक बंद का असर दिखा। लेकिन वायरल सच में बात आज बंद के असर की नहीं, दरअसल आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर जो बंद हुआ उसके असर को बताने वाला एक वायरल वीडियो उसकी बात होगी। दावा यह कि दलित आंदोलन को दबाने के नाम पर पुलिस या डंडे का इस्तेमाल हो रहा है। दावा यह कि आरक्षण अगर खत्म हुआ तो दलितों का यही हाल होगा, जो वायरल वीडियो में पुलिस कर रही है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि हाथों को सुन्न कर देने वाली ये लाठी पुलिस इसलिए बरसा रही है ताकि दलित आंदोलन को दबाया जा सके। व्हाट्सएप पर ये वीडियो शेयर कर रहे लोग कह रहे हैं कि थाने में बैठे युवकों की पिटाई इसलिए की जा रही है ताकि ये दोबारा कभी दलितों का हक मांगने के लिए सड़क पर न निकले। एक मिनट 40 सेकंड के इस वीडियो में लाठी पर लाठी बरस रही है और पिटने वालों की चीखें सुनाई दे रही है। वायरल वीडियो में कुछ लोग लाइन से पुलिस थाने में बैठे दिख रहे हैं। पुलिस नाम पूछकर रजिस्टर में नोट कर रही है और सबकी एक भट्टे जैसे दिखने वाली चीज ताबड़तोड़ पिटाई हो रही है। मीडिया के कैमरे भी वहां मौजूद हैं। पुलिसकर्मी पिटाई करते हुए बार बार कह रहे हैं कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ एक मैसेज भी है जिसमें लिखा है, इस वीडियो को हर फोन तक पहुंचाएं ताकि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट और पूरे देश को पता चले कि SC ST एक्ट में हुए बदलाव से क्या दुष्परिणाम होंगे। जय भीम जय भारत। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस वीडियो का वाकई दलित आंदोलन से कोई रिश्ता है? क्या पुलिस ने दलित आंदोलन को दबाने के लिए लाठी डंडों का इस्तेमाल किया है? मुद्दा बेहद गंभीर है, इसलिए इन सवालों का जवाब देश को देना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए ये पता लगाना जरूरी था कि वायरल वीडियो देश के किस हिस्से का है। सवाल का जवाब देने वाला पहला सुराग हमें इसी वायरल वीडियो में मिला। 1 मिनट 20 सेकंड पर पुलिस वाला जब लड़कों को मार रहा है उस वक्त गुंडागर्दी नहीं चलेगी बोल रहा है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन इसके पहले एक और शब्द, इसका मतलब पिटाई के इस वीडियो का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर से। इंदौर में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी इंदौर। कहानी का सच जानने के लिए वायरल सच की टीम सीधे इंदौर पहुंची और वहां इंदौर पुलिस से संपर्क किया। यहां शुरू हुई पड़ताल में हमें एक और वीडियो मिला, ये देखिए। जो थाने के अंदर पिटते हुए देखे थे आप, वो थाने के बाहर भी पिट गए थे और पिटते हुए ही थाने लाए गए। लेकिन ये पिटाई क्यों हो रही? तो इस सवाल का जवाब ये है कि इंदौर पुलिस ने गुंडा पकड़ो अभियान चलाया था। इसी अभियान के तहत पुलिस ने शहर के कोने कोने से चाकूबाजी और नशीले सामान की तस्करी करने वाले गुंडों की धरपकड़ की थी। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने इस काम के लिए पुलिस की तारीफ भी की थी। मैंने तो इंदौर में क्या दिया, मारो गुंडों को। अरे जो धातों के भूत हैं वो बातों आतों से थोड़े पाएंगे। यानी जो वायरल वीडियो दलित आंदोलन दबाने के नाम पर पेश किया जा रहा है वो इंदौर पुलिस के गुंडा पकड़ो अभियान का हिस्सा है। और ये कोई ताजा मामला नहीं बल्कि 3 साल पुराना, यानी ये वीडियो 29 मई 2015 का है, न कि
हाल में हुए। इसलिए हमारी पड़ताल में दलित आंदोलन दबाने के नाम पर पुलिस अत्याचार का दावा झूठा साबित हुआ है। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।